मेरे परिवार तरफ से, मेरे सहयोगी एम्बेसी में सभी मेरे साथ काम करते हैं, मेरे ऑफिसर्स, मेरे स्टाफ, उनके तरफ से, उनके परिवार के तरफ से सभी को स्वागत है। एंड वी आर गैदरिंग हियर टुडे टू सेलिब्रेट आवर 73rd इंडिपेंडेंस डे। माय कंग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। I'll be very brief. You have listened to the speech and the address by the President of India to the nation. I don't have to elaborate. I don't have to dwell at length. I would be very brief, but to start with, may I request, there are a couple of tragedies that happened in recently, last few weeks. One is floods in the many parts of particularly southern India, and काफी लोगों का जान चली गई इन फ्लड्स में, बाढ़ बोलते हैं, बाढ़ में उनके आत्म शांति के लिए, कंडोलेंसेस के लिए। और हमारे भूतपूर्व प्यारे विदेश मंत्री मैडम सुषमा स्वराज की देहांत भी हो गई। वो लास्ट ईयर पिछले साल हम कुवैत, उन्होंने कुवैत भी आए हैं इनके आत्म शांति के लिए। मैं कुछ क्षणों का मौन ऑब्जर्व करने के लिए आपसे विनती करता हूँ। ये इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं, किसी को कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हमको पता नहीं, लेकिन आप बहुत फ़ायदे उठाए इसका। मैंने पूछा, भाई कैसे? वो बोलता है, आपका हिंदी थोड़ा मजबूत हो गया वो भाषण देखे थे। लेकिन मुझे पता नहीं मजबूत हुआ या नहीं, लेकिन आजकल थोड़ा बोल पा रहा हूँ हिंदी में। मैं कोशिश करूँगा जरूर आपसे हिंदी में बात करने का। एक दो चीज़ सिर्फ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, हर साल आप लोग इधर सुबह सुबह इतने मेहनत करके इधर आते हैं, राजदूत आते हैं जाते हैं, हम नेक्स्ट टाइम कोई नए राजदूत आएंगे, एम्बेसी के हमारे साथियों भी बदले होते रहते हैं, लेकिन ये तिरंगा झंडा हमेशा लहरता है। और हम इधर आते हैं इसका शान, इसका मान और इसका प्रेरणा के लिए। हम हर बार एक साल में एक दो बार आके इनको वो वंदन करने के लिए आते हैं। वो क्षण वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम सब इधर आते हैं। आप सबको बधाई, आप सबको हमारे तरफ से धन्यवाद। और नेक्स्ट टाइम आप अकेले नहीं, आप दोस्तों को भी लेके आना, क्योंकि ये हमारा शान है। इसको वंदन करने में जो गर्व मिलता है वो महसूस करना है, वो दो महीने पहले लगभग मुझे एक फ़ोन कॉल आया था कुवैत गवर्नमेंट में एक अंडर सेक्रेटरी से। ये अंडर सेक्रेटरी होता है मिनिस्टर के नेक्स्ट लेवल पे, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल पे। मुझसे एक रिक्वेस्ट किया उसने, एम्बेसडर साहब मुझे शायद इमरजेंसी में इंडिया को जाना पड़ेगा, मुझे वीज़ा की ज़रूरत है क्या, वीज़ा तुरंत मिल सकता है क्या? मैंने पूछा, आप तो शायद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा आपके पास, अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर वो बोला, मेरे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। फिर भी मैंने, वो दोस्त भी है मेरा, मैंने पूछा था क्या इमरजेंसी क्या है, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? वो बोला, एम्बेसडर साहब हमारे मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो ICU में है, हॉस्पिटल में, अगर उनको कुछ हो गया गॉड फॉरबिड, मुझे उनका बॉडी को इंडिया लेके जाना पड़ेगा, मैं उनके साथ
मेरी माँ को, मुझे समझ में नहीं आया था वो क्या बात करे, आपकी माँ बोल रहे हैं। फिर वो समझ गए, वो बोलने लगी, नहीं वो हमारे इंडियन नैनी है, वो मैं जब पैदा हुआ था वो हमारी नैनी थी, हम सब मैं और मेरे भाई मेरी बहन उनको माँ कह के बुलाते हैं। दस साल से वो काफ़ी अभी उम्र में बढ़ गई, बूढ़ी हो गई, लेकिन हमारे साथ ही रहते हैं, वो काम के लिए नहीं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे सदस्य बन के फैमिली का, हमको और हेल्प करने के लिए असिस्टेंस वगैरह है, लेकिन वो हमारे माँ जैसे सो हमारे साथ ही रहते हैं। उनका एक बेटा है हिंदुस्तान में, इंडिया में, लेकिन वो माँ को वापस लेने के लिए तैयार नहीं था, सो इसलिए हमारे साथ ही रहते हैं, वो माँ है, इसलिए मैंने माँ करके पुकारा था। मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस मुल्क में, कुवैत में, भारत के लिए जो इज्जत है, भारत के लिए जो हमारे लोगों, इंडियन कम्युनिटी के लिए और इंडियन कम्युनिटी के ऊपर जो भरोसा है, जो सम्मान हमको मिलता है, हमारे देश को मिलता है, हमारे देशवासियों को मिलता है, वो हमसे बहुत प्यार से भी, इसलिए हमारे कम्युनिटी सबसे बड़ा है इधर, आप सब जानते हो ये। आप हमेशा मेरे तरफ से, मेरे एम्बेसी के तरफ से आपसे ये विनती है, हमारा ये ध्यान में रखना, कभी भी मैं पर्टिकुलरली इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पिछले 2-3 महीने में कुछ चीज़ ऐसे हो गए, न्यूज़पेपर्स में आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं हमारे लोगों के साथ, कुछ फंक्शन हुए हैं बिना परमिशन के साथ, और काफ़ी लोग कुछ गलत काम करते, विजिटर वीसा पे आके काम करने शुरू हुए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। हमारे कम्युनिटी के इस देश में सबसे लीडरशिप के शुरू से नीचे तक इतने हमारे देशवासियों के लिए कितना भरोसा है, इतना प्यार है, हम गलत काम करके इधर आने की ज़रूरत है ही नहीं। आप सभी आप दोस्तों को फैमिली मेंबर्स को किसी को लाना चाहते हैं, वो एजेंट्स की कोई एजेंट आए आपसे कुछ पूछे, ये ज़रूर आप लोग ये पूछना है, एम्बेसी का स्टैंप है क्या, इमिग्रेट सिस्टम से हम आ रहे हैं क्या, हमारे लिए इधर काफ़ी जगह है, ये लोग कुवैत हमको आदर से इनवाइट करते हैं, सो हम कुछ गलत काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। हम ये भी सुना है काफ़ी लोग आप अपने आईडी को, सिविल आईडी को किसी दोस्तों को देते हैं भरोसा में, लेकिन वो सिविल आईडी का मिसयूज हो रहा है, आपके नाम से कोई उधार लेगा बैंक से, कोई मोबाइल फ़ोन खरीद लेगा, फिर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, ये सब करने की ज़रूरत नहीं, एम्बेसी आपके साथ है। और ये आप समझना चाहिए, एम्बेसी आप लोगों को मदद करने के लिए, आप किस भाषा बोलते हैं, किस स्टेट से हैं, क्या अमीर हैं, गरीब हैं, उससे हमको कोई ताल्लुक नहीं, हमारे लिए आप हमारे अपने हैं, आप सब हमारे, हमारे देशवासी हैं। जैसा मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों से, माँ बाप जब होते हैं किससे सबसे प्यार करते हैं, आप बोल सकते हैं, 2-3 जवाब आ सकते हैं, आपने क्या बोलते हैं, एक दूसरे से शायद, वो एक आंसर है, दूसरा है सब शायद हमें मोस्ट ऑफ अस हम बोलेंगे बच्चों से प्यार करते हैं, वो भी सही है, लेकिन इससे भी बेहतर जवाब एक है, माँ बाप जिससे प्यार करता है, जो सबसे कमज़ोर बच्चा है अपने फैमिली में,
एम्बेसी भी ऐसे हैं, आप जितना कमज़ोर है, आपका इतना जितना मुश्किल ज़्यादा है, उतना हम आपको मदद करने की कोशिश करते हैं। आपके हमारा पूरा ताकत लगा के आपके साथ करके आपके मदद करने की कोशिश करते हैं। आप गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये देश में हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत प्यार है। ये थोड़ा हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि ये गलत काम से काफ़ी लोगों को नुकसान होता है, वो भरोसा थोड़ा जाता है, वो नहीं करने का, ये हमारा विनती है। और एक बार एम्बेसी की तरफ से, मेरे तरफ से, हमारे सब लोगों की तरफ से आपको शुभकामनाएं और स्वागत। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। हम सब धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं महामहिम राजदूत महोदय जी का। आइए हम पूरे हर्षोल्लास के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। आज के इस पर्व की पहली प्रस्तुति असम एसोसिएशन के देशभक्ति गीत, जिसके लेखक हैं श्री लक्ष्मीकांत बैजबरुआ, ओ मोर अपनोर देश। इस असम के गीत में कवि अपनी मातृभूमि, मातृभाषा और जन्मभूमि को संबोधित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं असम एसोसिएशन का।